ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, कई राज्यों में ये कानून लागू है, मध्य प्रदेश भी उनमें से एक है, लेकिन शिक्षा का अधिकार देने वाला यही कानून लोगों की गले की हड्डी बन गया है। हालत यह है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए शिक्षा विभाग और स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन विभागीय गाइडलाइंस के मुताबिक अगर बच्चे की मानक उम्र में एक दिन भी कम है तो उसे पूरे एक साल इंतजार करना होगा स्कूल में दाखिले के लिए। शिक्षा का अधिकार सुनने में ये कितना अच्छा लगता है, लेकिन बाकी सभी योजनाओं की तरह सरकार की ये योजना भी परवान नहीं चढ़ पा रही है। लोग अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए परेशान हो रहे हैं और अधिकारी मौज काट रहे हैं, कोई नियमों की दुहाई देकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इंदौर में आरटीई एक्ट का रियलिटी टेस्ट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई एक्ट उन जरूरतमंदों के लिए बनाया गया था जिनके बच्चे शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार से वंचित रह जाते थे, लेकिन मध्य प्रदेश में आरटीई एक्ट का कोई लाभ होता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल आरटीई में जिन बच्चों का एडमिशन अप्रैल महीने में हो जाना चाहिए था, उनमें से कई बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। वहीं पूरे प्रदेश में आरटीई में एडमिशन का अलॉटमेंट अपने समय से 10 महीने देरी से चल रहा है, और इंदौर का तो हाल कुछ ऐसा है कि यहाँ के शिक्षा अधिकारियों को और ना ही ब्लॉक संसाधन समन्वयकों को एडमिशन की सही प्रक्रिया मालूम है, जिसके चलते सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों के पालकों को उठानी पड़ रही है। वही एडमिशन की प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गई है, लेकिन अभी तक एडमिशन का पैरामीटर अभिभावकों को बताया ही नहीं गया है, जिससे बच्चों के एडमिशन में दिक्कत आ रही है। वाले मना कर रहे, बोले हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं आया और फर्स्ट में हमारे पास जगह भी नहीं है, तो यहाँ से सत्यापन तो इन्होंने कर दिया, लेकिन ये लोगों ने बोला था 20 तारीख को वहाँ जाओ, जब हम वहाँ गए तो वो लोग बोल रहे हैं स्कूल वाले कि हमारे पास फर्स्ट में जगह नहीं है और हमारे पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं आया। मैं अपने भतीजे के लिए आया हूँ, गोपाल जी वर्मा के लड़के के लिए, कुलदीप जी, उनका लिस्ट में नाम आ चुका है, जो कि ये कह रहे हैं कि 16 जून को बच्चा 3 साल का चाहिए हमें। बच्चा हमारा 30 अगस्त 2016 को 3 साल का पूरा हो चुका है, उसके बाद भी ले नहीं जाएगा। दो चक्कर मैसेज आ गया, मैं इतनी चक्कर आ रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। जून से भरा हुआ फॉर्म ऑफलाइन किया था, यहाँ पे नेट, यहाँ पे आने पर उन्होंने बताया, बोले नेट पे जाके देख लो, नेट पे जाके देखे तो इसको ऑनलाइन किया ही नहीं है। वहाँ से बोले इसकी एप्लीकेशन नंबर ले आओ, जब ये ऑफलाइन किया, ऑनलाइन किया हुआ, तो यहाँ पे आया तो कोई एप्लीकेशन नंबर ही देने को तैयार नहीं। कितने महीने से चक्कर लगा रहे हैं? ये सर मेरे को तो 4 महीना 5 महीना हुआ है। ऑनलाइन नहीं किया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आपको जवाब मिलता है? यहाँ पे बोले ऑनलाइन कर दिया हमने हमारी तरफ से, तो जब हमने बोला कि ऑनलाइन यदि आपने किया है तो उसका एप्लीकेशन नंबर दो ना, आईडी नंबर दो उसका। नहीं बोले, वो हमारे पास नहीं हो तो हमने कर दिया ऑफलाइन। पालकों की मुसीबत यहीं पर खत्म नहीं होती, वो अपने काम धाम छोड़कर एडमिशन के लिए बीआरसी दफ्तर का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन अधिकारी अपने समय पर ऑफिस में मौजूद नहीं मिलते। वही देर से आने के बाद भी अधिकारी पालकों की ही गलती बताते हैं। पेरेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है मैडम कि जो इनके उम्र का है, राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश के अनुसार 16 जून 2016 को 3 वर्ष पूरे होना है नर्सरी बच्चे के लिए, ठीक है, और पहली कक्षा के लिए 7 वर्ष की आयु पूर्ण होना है। उन्हीं बच्चों का एडमिशन हो रहा है, लेकिन जिन बच्चों के नर्सरी के अंदर पात्र आवंटन निकला है, यदि उनके उम्र के अंदर 1 माह या 15 दिन का कम है तो उसे अभी हम स्वीकार नहीं कर रहे। बालकों के अलावा स्कूल के शिक्षक भी परेशान हैं। उनके मुताबिक आरटीई एक्ट के तहत एडमिशन में इतनी पेचीदगियां हैं कि वे चाहकर भी बच्चों का एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं। एड्रेस से या जन्म तारीख से बच्चे को कैंसिल अपत्र कर दिया गया, उसके बाद बच्चा अपनी जाति प्रमाण पत्र में करेक्शन करवा के लाता है या जन्म प्रमाण पत्र में बिल्कुल ओरिजिनल जो वास्तविकता है उसको लेके आता है, तो फिर बीआरसी महोदय उसमें उसको पात्र कर देते हैं। इसके बाद जो उसका नोडल अधिकारी है वो भी उसे पात्र कर देता है, तो हमें उसे अपने स्कूल में लेने में, एक्सेप्ट करने में वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। वहीं जिला परियोजना अधिकारी इस योजना की खामियों को मानते हुए अगले साल उन खामियों को दूर करने की बात कह रहे हैं। सूची में नाम सभी को भेजा गया है, प्रमाण वो भी भेजा गया है, मैसेजेस भी भोपाल द्वारा गए हैं, लेकिन उसका वेरिफिकेशन
बीआरसी स्तर पे किया जा रहा है। बिल्कुल आपका कहना सही है कि ये इससे एक बार नाम आ जाने से भ्रमित होते हैं कि हमारा नाम आ गया और अब हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है। अगले साल से शायद इस पर विचार किया गया है, भोपाल स्तर पर भी जानकारी दी गई है, अगले साल से उम्र का बंधन होगा, जो अगर इससे कम होंगे या ज्यादा होंगे तो उनका फॉर्म ओके होगा ही नहीं, किसी व्यवस्था अगले साल से पूरी होने की संभावना। सर्व शिक्षा अभियान के कई वाक्या सामने आने के बाद अब ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा और शिक्षा के लिए बने अधिनियम मजाक बनते जा रहे हैं। जिन बच्चों का एडमिशन अप्रैल में हो जाना था, उन बच्चों के परिजन अक्टूबर में आरटीई के तहत एडमिशन लेने के लिए मशक्कत कर रहे हैं और अधिकारी नियमों का हवाला दे रहे हैं। सोचने की बात यह है कि क्या आरटीई सच में उन जरूरतमंदों के काम आ रही है या नहीं। कैमरा पर्सन अरविंद रायकवार के साथ सुनीता सिंह, इंडिया न्यूज़।